क्राइम पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने अलवर पहुंचकर पुलिस अन्वेषण भवन में अधिकारियों की बैठक ली और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी हाँ, बैठक के दौरान ज्यादा इस बात पर चर्चा की गई कि जो संगठित गिरोह हैं, साइबर ठगी के मामले हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए और अपराधियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने संगठित अपराधों पर रोकथाम के लिए राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसके अलावा एडीजीपी क्राइम दिनेश एनएम ने जब से कार्यभार संभाला है तब से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा अलवर और भिवाड़ी महत्वपूर्ण जिले हैं, कोई भी मामला होता है उसका निर्णय पुलिस नहीं करती, उसका निर्णय न्यायालय करता है और कार्रवाई की सारी रिपोर्ट कोर्ट में जाती है। गैंगवार को रोकने पर पुलिस का पूरा फोकस हो। उन्होंने बताया कि हाईवे रॉबरी साइबर क्राइम को लेकर पुलिस बहुत चिंतित है और ऐसे अपराध करने वालों को नियंत्रण के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधियों के पैरों में गोली मारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती है और पुलिस विधिक मापदंड के अनुकूल ही बदमाश पर फायरिंग करती है। दोनों ओर से मुठभेड़ होने की स्थिति में ही परिस्थितियों को देखा जाता है और हर घटना एक दूसरे से अलग होती है। दिनांक 15/3/23 को कोतवाली इलाके के रहने वाले एक परिवादी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि शाम को 5 बजे वो कोचिंग आती है सिटी में। कोचिंग करके जब वापस आ रही थी 6:15 बजे के करीब, तो अपने जो अगरसेन पोड़िया है और ब्रिज, उसके ऊपर एक लड़के ने उसका पीछा किया और उसका हाथ पकड़ लिया, उसके साथ छेड़खानी करी, उसके विरोध करने के ऊपर वो लड़का वहाँ से भाग गया, जिसमें मुकदमा दर्ज करके तलाश की उसकी, डिटेन करके उसे अनुसंधान किया, बाद अनुसंधान जुर्म से एक पाई जाने उसको आज गिरफ्तार किया है। अब इसको मेडिकल करवाया है और आज हम उस पर न्यायालय से मांग करेंगे। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? हाँ, इसका नाम है सोनू जाटव, सोनू श्री मदनलाल जाटव, उम्र इसकी 26 साल है और गाँव है लादिया का, जो कि नगर भरतपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर किस लिए है? यह कोई श्याम भोजनालय में काम करता है, कई सालों से होटल अपने नंगली सकते काम करता है।